सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है। दिवाली में सबके घर में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पकवान बनते हैं। दिवाली के तैयार में लोग 15 दिन एक महीने से पहले अलग अलग प्रकार के चटपटे और मीठे पकवान बना के रख लेते हैं। तो चलिए, दिवाली के तैयारी के शुरुआत में आज हम बनाएंगे आटे के बिस्किट्स, जो कि बहुत ही हेल्दी है और हम बनाएंगे बिना ओवन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आटे का बिस्कुट या व्हीट फ्लोर से बनी हुई बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा यानी गेहूँ का आटा यानी कि व्हीट फ्लोर 1 कप ले लिया है। बेसन हम 1/2 कप ले लेंगे। 2.5 टेबल स्पून लेंगे सेमोलिना यानी कि रवा, और 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे ग्रीन कैडमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 कप हम ले लेंगे पाउडर्ड शुगर, और मैंने यहाँ पे 1 कप घी लिया है। और मैं 1 कप घी यूज़ की थी, बट उसमें से घी का बैटर जो मैं बनाई थी उसमें से थोड़ी सी बच गई थी, ज़्यादा घी हो गई थी, तो आप 1 कप से थोड़ा सा कम घी डालें। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं, आटा, बेसन, और इसमें रवा भी डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे, और इसमें इलायची पाउडर को डाल करके अच्छी तरह से हम ये सारे चीज़ों को मिला लेंगे आपस में। देखिए इस तरह से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिला लिया है, इसे हम साइड में रखते हैं। और चलिए अभी हम दूसरा बाउल ले लेते हैं। दूसरे बाउल में हम शुगर को डाल देंगे, पाउडर शुगर को, और इसमें घी डाल देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पूरा घी ले रही हूँ, लेकिन मेरे थोड़े से जो बैटर है बच गए थे। और हमें इसे फ्लफ़ीनेस आने तक, देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे पहले मिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम बीट करेंगे जिससे कि ये फ्लफ़ी एक बैटर बन जाएगी। ये प्रोसेस करने से क्या होगा, आटा गूंदने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए बहुत ही फ्लफ़ी बन गई है, अब देख सकते हैं। अभी हम ये प्लेट में आटा गूंदेंगे, तो मैं ये इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ले लेती हूँ। फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा जो घी और शुगर का मिश्रण। देखिए मैंने थोड़े से इसमें से बचा लिया है, एक बाउल में निकाल करके रख लिया है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप 1 कप घी पूरा ना डालें। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पहले हम स्पून से मिला लेंगे, उसके बाद हम हाथों से इसको सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार करेंगे। आटे में मैं यहाँ पे मिल्क या वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। हम एक तरह से ये एक नान खटाई जैसे बनाएंगे, लेकिन हम ये व्हीट फ्लोर और ग्राम फ्लोर को यूज़ करके हम बनाएंगे। नान खटाई जो होती है वो मैदा से बनती है, लेकिन हम आज इसे थोड़ी सी हेल्दी बनाने के लिए व्हीट फ्लोर या ग्राम फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। व्हीट फ्लोर और ग्राम फ्लोर दोनों को यूज़ कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें वनस्पति भी डाल सकते हैं। तो देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है, और बहुत आसान से आटा मल के तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। और हम थोड़े थोड़े आटा हाथों में लेकर इस तरह से गोल गोल करेंगे, और इसे हम जितना बड़ा हम बिस्किट बनाना चाहते हैं उतने बड़े बनाएंगे, लेकिन छोटा ही ले फ्रेंड्स, क्योंकि ये साइज़ में अपने डबल हो जाएगा बेक होने के बाद। तो मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम को बारीक काट कर रखा है टॉपिंग के लिए, इसमें गार्निशिंग करूँगी। आप इसमें चिरौंजी भी लगा सकते हैं, वाटरमेलन के सीड्स लगा सकते हैं, कैशू नट्स भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे ज़्यादा प्रेस ना करें, ज़्यादा प्रेस करने से जब बेक होगा ये और बड़ा हो जाएगा। आप अगर ये साइज़ रखेंगे तो आपके बिस्किट्स के साइज़ बेक होने के बाद परफेक्ट निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत फूलते हैं। देखिए इस तरह से हम सारे बिस्किट्स को बना कर रखेंगे। एक बार में मैं 7-8 बिस्किट बेक करूँगी, तो पहले मैं 7-8 बिस्किट को बना कर रखती हूँ। देखिए इस तरह से
मैंने कुछ यहाँ पे चौकन वाला भी बनाया है बिस्किट्स। मैं यहाँ पे कोई भी मोड का यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए ये कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है, कढ़ाई लिया है, इसके ऊपर एक मैंने स्टीमर रख लिया है, जाली जैसी आती है, और इसके अंदर मैंने एक प्लेट जो हम बाहर जब जाते हैं खाने के लिए यूज़ करते हैं कागज़ का प्लेट आते हैं उसको काट करके मैंने इसमें सेट किया है। आप एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। और इसको ग्रीस करके मैंने प्रीहीट कर लिया है। उसके बाद बिस्किट्स मैंने इसमें रख दिया है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखे, और इसे ढक करके हम 20 मिनट पहले बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो मैंने 20 मिनट के बाद एक बार चेक किया था, बिस्किट्स रेडी नहीं था, तो मैंने 5 मिनट और बेक किया है। अभी परफेक्टली रेडी है बिस्किट्स। आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। मैंने इसको बहुत दूरी दूरी रखा था और देख सकते हैं आप कि ये नज़दीक में आ गई, यानी कि फैल गई है। तो बिस्किट्स को मैंने टूथपिक के साथ चेक कर लिया है, ये परफेक्टली बेक हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बिस्किट्स को आप डायरेक्ट ना निकालें, ये एल्युमिनियम फॉइल के साथ ही आप इसे निकाल लें और इसे ठंडा होने के बाद ही अनमोल्ड करें, क्योंकि व्हीट फ्लोर से बनी हुई बिस्किट्स गर्म में नरम होती है बहुत। तो मैंने यहाँ पे कुछ हार्ट शेप का बिस्किट्स भी बनाया है, आप देख सकते हैं, और इसके लिए भी मैंने कोई मोड का यूज़ नहीं किया है। मैंने हाथों से इस तरह से इसे प्रेस करते हुए इसका शेप दे दिया है। आप हार्ट शेप, चौकन या गोल अपने मनचाहा शेप में ये बिस्किट्स को बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, और हमारे हार्ट शेप वाला बिस्किट भी बनकर तैयार है। तो चलिए इन्हें भी हम बेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरे वाले एल्युमिनियम फॉइल डाल दिया है, यानी कि प्लेट कागज़ का डाल करके फिर इसमें बेक करने के लिए रख दिया है। तो देखिए हमारा ये बिस्किट्स अभी ठंडी हो गई हैं, तो अब हम इसे अनमोल्ड करते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह की दो प्लेट लें, एक प्लेट को निकाल के रखें तो तो फ्रेंड्स देखिए हमारे सारे बिस्किट्स बेक होके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स देखिए ये ज़्यादा ब्राउन नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। ये एक तरह के नान खटाई जैसे ही दिखती है, और लेकिन नान खटाई मैदा से बनता है। हमने इसे व्हीट फ्लोर और ग्राम फ्लोर को यूज़ करके बनाया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्किट्स हैं। फ्रेंड्स आप इंग्रेडिएंट के साथ कंफ्यूज ना हो, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने जैसे बताया है वैसे ही लीजिए, लेकिन आप घी की क्वांटिटी थोड़े से कम ले, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 कप से कम, उस तरह की घी की क्वांटिटी लीजिए। और जिस तरह से मैंने आटे लगाया है आप उसी तरह से आटा लगाइए, आपका बिस्किट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। और एल्युमिनियम फॉइल या मैंने जिस तरह के कागज़ का प्लेट लिया है आप उस तरह की दो प्लेट लें, एक के साथ बेक करने के बाद प्लेट के साथ ही उसे बाहर निकालें और ठंडा होने दें, दूसरी प्लेट को लगा ग्रीस करके ले लीजिए, फिर दूसरी बार बेक कीजिए, और ठंडा होने के बाद ही बिस्किट को अनमोल्ड करें, वरना बिस्किट बहुत नरम होते हैं तो टूट जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप उस तरह से ये बिस्किट को ज़रूर बनाइए इस दिवाली पर। आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने डियर वन के साथ बिस्किट की रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।